यहाँ पे हरी मिर्च और ये रही राजमा। सुहाना है मौसम, सुहाने हैं पल, लोग अक्सर जाया करते हैं टूरिज्म एरिया में जहाँ होता है सिर्फ गंध। घूमो कभी गांव में तभी मिलेगा परमानंद, और जो जा नहीं सकता वो जुड़े रहे हमारे संग। हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में, और मैं हूँ SP मांचल डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। और जो चैनल में नया आपने करना चैनल को सब्सक्राइब, और चलो शुरुआत करते हैं नए दिन के और नए ब्लॉग के साथ। और आज के मौसम की बात करें तो आज का मौसम भी कुछ हद तक साफ है, धूप है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, धुंध है हल्की हल्की सी। मौसम भी आप सबने देख ही लिया, और शुरू में जो लाइनें बोली ना उनके बीच में आई एक लाइन, जहाँ पे होता है सिर्फ गंध। गंध से मेरा मतलब कुछ गलत नहीं है, बस यही है, बाहर जो होते गाड़ियाँ प्रदूषण, गंध से मेरा यही मतलब है। तो चलो अब चलते अपनी ड्यूटी जंगल की तरफ अपने जानवरों को लेकर। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई और मम्मी पापा भाव चले गए घास काटने और मैं जा रही हूँ जंगल की तरफ। चलो निकलते हैं जंगल की तरफ। आजकल मिलेगा आपको घर में हर जगह घास ही घास रखा है हमने सूखने के लिए, और इधर अपने जानवर और वहाँ पे अपने मुर्गे। पधार गए, अभी तक पता नहीं कहाँ थे, अब भी पहुंची यहाँ पे। इसको हर जो ना मेरे जानवरों ने मेरे को बहुत ही ज्यादा दुखी करके रखा, पता नहीं इनको हो क्या गए, इतनी जगह भागे जा रहे इतनी लंबी लंबी घास है पर वो इनको खानी नहीं, वो अच्छी नहीं लग रही है। ऐसी जगह जा रही है जहाँ पे लोग घास है ही नहीं खाने को, पता नहीं उधर क्या मिल रहा है इनको। तो यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें दिखी, वो दिखाऊंगी मैं आपको, और चलो उधर जाके दिखाती फिर आपको पता लगेगा, पहले बता दूँ तो पता भी लगेगा कुछ, है ना। के लिए चलना पड़ेगा हमें स्पेशली पेड़ पे। तो वो ना ये चीज़ें इनको बोलते हैं हम बंदर के आलू, जैसे अरबी के पत्ते होते हैं ना ये वैसी सेम होते, लेकिन ये उनसे कुछ अलग होते हैं, और इनके भी पत्रोड़े खाए जाते हैं। और इनको आप देख सकती, ये ना ऐसी लगते हैं पेड़ पे जाकर, और बहुत सारे लगते हैं, और यहाँ पे भी लगे, और किस तरह से लगे पेड़ पे पता नहीं कैसे हो जाते हैं उन्हें, तो देखने में भी बहुत ही प्यारे होते हैं। ये चीज़ दिखानी थी मैंने आपको, इसके लिए मैं स्पेशली काफ़ी दूर चल के आई हूँ।
बहुत टेस्टी होते हैं बोला इनके पतरोड़े, बट मैंने नहीं खाए, बाकी सब खाते रहते, मैं भी बनाऊंगी एक दिन। ये चीज़ ना खुद खुद लग जाती है पेड़ पे, कोई इनको लगाता नहीं है कि इनका बीज लगा दिया पेड़ पे, आके ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाते ये। तो ये लग सी मेहनत है, जहाँ से हम काट के लाते, वहाँ पे हम ऐसे बांध के घर लाते, फिर खोलते और फिर सुखाते, एंड उसके बाद फिर बांधना होता है। तो मम्मी ने लगाया मेरे को यहाँ पे काम पे, और मेरे को याद है नहीं, पता नहीं कितने साल पहले बांधे थे, मेरे को बांधने आएंगे कि नहीं इनको, लग स्टाइल से बांधते। तो चलो ट्राई करने में क्या जाता है ना। अब एक तो कर दिया मैंने, अब दूसरा दिमाग खराब हो रहा। ओहो कांटा बच गई। तो यहाँ पे इतना कर हमने सुखा दिया, ऐसे ही हमने काफ़ी सारा सुखाना है और फिर यहाँ से ले जाना है कहीं दूर जाके। तो ऐसा होता है अगर ये बिल्कुल सूखा होता है, घर के नज़दीक रखा तो आग उग लगने की डर होती है, तब करके हम इसे दूर जाके रखते हैं। यहाँ पे छोटी ताई भी लगी घास बांधने में, और परे बड़ी ताई है पे मम्मी लगी है घास बांधने, और धूप भी आ गई इतनी। गुड मॉर्निंग, अपनी सुबह होती है जब धूप लगती है। आज मौसम साफ ही लग रहा है, जय हो। सुबह तो होगी और मैंने काफ़ी सोचा मैं जंगल जाऊं कि घास काटने जाऊं, फिर मैंने डिसाइड करा कि आज घास काटने चलते, एक दिन मैं जाऊंगी जंगल, एक दिन मेरा भाव। तो जा रहे हम घास काटने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और सब्जी लगी है, प्रोड ही बोलते हैं हम बाग की, पता नहीं क्या बोलते, बहुत ही बड़े बड़े होते और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते। तो चलो चलते, साथ में डालिए पानी की बोतल भी।
मंजिल के पास पहुंच ही गए, यहाँ पे आ गए हम तो अभी इतना कर मैक्सिमम आधा हमने काट ही लिया है। और हम बोलते हैं अपनी पहाड़ी में से फाट, और आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। चलो चलते, तो मम्मी तो चल पड़े तो मैं भी निकलती पीछे पीछे, अभी बहुत है। यहाँ पे डाला था मैंने एक ही सेब खाने के लिए, और खाने वाले यहाँ पे चार है, तो हम हाफ हाफ करके खाएंगे इसको। सबसे पहले सेब खाएंगे, पहले पेट पूजा उसके बाद काम। ऐसे काटेंगे, क्यों हाथ कट करना अपना जबरदस्ती। अपनी पेट पूजा तो होगी, तो आज अकेला मैंने ग्लव नहीं, तो इतने कांटे कांटे चुभे थे हाथ में। अब करते हैं अपना काम, जिस काम के लिए हम आए। इतनी गर्मी हो रही है ना धूप में, कसम से मेरे सिर में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं पानी का जग ही फेंक दिया होना, दिखेगा नहीं आज तक होगी कि लैस करके तू साइड में। इसको फैलाना, और अच्छी सी धूप होगी तब अच्छे से सूख जाएगा, नहीं तो कल फिर से डालेंगे। और ये जो ये कल का है दूसरा हमने कहीं और जगह पे जाके रखा है, यहाँ पे जगह ही नहीं है इतनी, पर गर्मी हो रही है बहुत ही ज्यादा। मम्मी घास ही घास चुप गया इधर इधर बैठ बैठ। मेरे दिमाग में अचानक से आया ना कि मैं छोटा जैसा प्रैंक कर दूं मम्मी के साथ, पर अपना ही प्लान फेल हो गया क्योंकि मेरे को हंसी छूट गई बीच में ना, जब मम्मी फूंक मार रही थी यहाँ तो मेरे को हंसी आ गई, पूरा प्लान ही फेल हो गया। सही चल रहा था बट क्या करूँ, मेरे से एक्टिंग ही नहीं हुई सही। खैर छोड़ो, मज़ा आया ना आप लोगों को। तो अब क्या करना, तो मम्मी ने परी मेरे को ऑर्डर लगा दिया था, बोला मैं घर जाऊंगी बर्तन धोने मैंने, और तू जो पानी रखी नहाने के लिए, चलो मैं पानी रखती हूँ सबसे पहले। लेकिन सच मेरा सर घूम रहा है, यहाँ पे धूप लगी है ना सिर में बहुत ही ज़्यादा। वैसे भी हम पहाड़ी है जनाब, हमें ऐसे माड़ी मोटी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऐसे चक्कर खा के हम गिरने वाले नहीं है। मैं लाइफ में कभी गिरी नहीं हूँ चक्कर खा के, एक बारी भी नहीं। हाँ पर ऐसा कभी तबीयत ख़राब हो जाती, पर ऐसा कभी नहीं हो कि चक्कर खा के लंबी पड़ गई मैं, ऐसे कभी नहीं। हाँ गलती से फिसल जाते कभी वो बात लगे, लेकिन ऐसे गिरे वो तो लगे, बट यहाँ पे धूप लगी है मेरे को बहुत ही ज़्यादा। मेरे को हंसी आ रही थी बहुत, ताई और मम्मी की छोटी ताई थी जो आए थे वो भी वहाँ पे घास सुखा रहे थे अपना। चलो आग जलाते हैं अब, है ना। तो ये रहा अपना चूल्हा, यहाँ पे ज़्यादातर हम पानी ना बाहर ही रखते हैं, अंदर जो है काम वाम होता है ना तंदूर के ऊपर, तब हम ज़्यादातर बाहर जलाते। थक गई हूँ मैं पर सच्ची में बहुत ही ज़्यादा।
अपना मिशन सक्सेसफुल। तो जल गई यहाँ पे आग, पर धूप में दिखाई नहीं दे रही आग, बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा, पर जल गई है ये। तो यहाँ पे आज राजमा की दाल नहीं, आज बना रहे हम राजमा की खिचड़ी, जो मेरे को बहुत ही पसंद है। ये बट शॉप से ली हुई, इतनी टेस्टी तो नहीं होते, बट फिर भी घर में तो अब होते ही कहाँ, ख़त्म हो रहे हैं सारे। घास के लिए, और आज शाम के टाइम में घर में ही, क्योंकि घर में होते ये चूजे देखने को, नहीं तो इनको बिल्ली खा जाती है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी दाल रखी है मैंने तंदूर के ऊपर, तो आग भी बुझ जाती है, तो आग भी देखनी होती है घड़ी घड़ी। और ऐसा भी होता है कई बार आग भी लग जाती है पीछे लकड़ी के घर में। जीनो यहाँ से देखना कौन है, आ जा जल्दी। हाँ पी गया था, मम्मी के साथ आ गया, वापसी हट के घर है। नखरे देखो इसके, यहाँ पे क्या सस होया जा। ओए हद है जीनू, उठ जा। देखना भी था, सोना भी था। आई बांध रही यहाँ पे घास ही, इन्होंने खाना बोला साग, तो लाती मैं नहीं के लिए साग थोड़ा देना। बनाया था इन्हें मक्की का साग। तो यहाँ पे डाल दिए मैंने राजमा में चावल धोदा के, अब डालते मसाला। और यहाँ पे मैंने हरा लहसुन और हरी मिर्च काटी है और डाल दी मैंने। और अब डालेंगे हम थोड़ी सी सूखी धनिया, थोड़ी सी हल्दी। बाकी लोग जो है ना कोई डालते प्याज भी, लेकिन मेरे को प्याज की अच्छी ना लगती, प्याज से जो है टेस्ट एकदम अलग सा हो जाता है। कोई कोई जो है तड़का लगाते जैसे हम पुलाव बनाते वैसे ही, पर तब खिचड़ी का क्या मज़ा रहेगा जब हम तड़का लगाएंगे उसमें। बट मेरे को ऐसी अच्छी लगती है, ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे। जो मैंने हरी मिर्च हरा लहसुन डाला, ये आप जो है बारीक करके पीस के भी डाल सकते हैं, तब करके ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम है नहीं, तो हम फटाफट करें क्योंकि भूख लगी है, तो मैं ऐसी बना रही हूँ। लेकिन मेरे को मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है, तो मम्मी को देरी हो रही है, हो गए गौशाला में, तो बोला मेरे को तू ही बना दे। तो मैं कहा ठीक है मैं ही बना दूँ फिर। यहाँ पे हरी मिर्च और ये रही राजमा की खिचड़ी और देसी घी। चलो करते हैं अब स्टार्ट खाना। सूजी अपनी पेट पूजा तो हो गई, और सच्ची बात बोलो तो मेरे को बहुत ही मज़ा आया खिचड़ी खाने का। और आपको पता है वैसे मेरे को राजमा की खिचड़ी बहुत 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 पसंद है, स्पेशली राजमा की। तो पेट पूजा भी होगी, और अब चलते सोने, फिर ब्लॉग को रखेंगे इतना ही। और आपको पता है ना आपने करना है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपको ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।